रोहतक स्थित इंडस पब्लिक स्कूल में हरियाणा बॉक्सिंग संघ के तत्वाधान में जिला बॉक्सिंग संघ द्वारा मेन एंड वुमेन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के 22 जिलों से 3 साई सेंटर से और 2 स्पोर्ट्स स्कूल राई से लगभग 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के प्रेसिडेंट मेजर सतपाल सिंधु के निर्देश पर सभी खिलाड़ियों ने रहने और खाने की व्यवस्था इंडस स्कूल में ही की गई है। यहां से विजेता खिलाड़ी चेन्नई में होने वाले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेंगे। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के जनरल सेक्रेटरी रविंद्र पानू और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ओमवीर हुड्डा ने बताया कि हरियाणा बॉक्सिंग संघ के तत्वाधान में जिला बॉक्सिंग संघ द्वारा यूथ मेन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन रहा, जिसमें अभी तक लगभग 108 बाउट हो चुकी हैं। सभी खिलाड़ियों के रहने और खाने की समुचित व्यवस्था इंडस स्कूल में ही की गई है। उन्होंने ये भी बताया, चैंपियनशिप का फाइनल 25 तारीख को खेला जाएगा। चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ी चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेंगे। प्रतिभागी खिलाड़ियों को यहां खेलने का काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि इस चैंपियनशिप में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं, जिनसे दूसरे खिलाड़ियों को सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। आज हम यहाँ पे फर्स्ट यूथ मैन वुमेन स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवा रहे हैं। मेजर सत्यपाल सिंधु जी, जो कि हमारे प्रधान हरियाणा बॉक्सिंग संघ हैं, उनकी अगुवाई में और डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन रोहतक और सर छोटूराम दीनबंधु बॉक्सिंग एकेडमी की के सहयोग से हम ये फर्स्ट यूथ स्टेट चैम्पियनशिप हो रही है। इसमें लगभग 500 के लगभग खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि 22 डिस्ट्रिक्ट, 3 साई और 1 राई स्पोर्ट्स सोनीपत की टीम पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ पर जो बच्चे चैंपियन बनेंगे वो 5 से 11 को चेन्नई में होने वाली नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। देखो सर, लगभग 180 के लगभग यहाँ पे टोटल बाउट अभी हो चुकी हैं और दोनों दो रिंग हम चला रहे हैं, दोनों रिंगों पे बाउट हो रही हैं, तो लगभग 8 बजे तक आज बाउट चलेंगी। और इनका रहने का खाने का सारा यहाँ पे इंडस पब्लिक स्कूल में बहुत अच्छा मेजर साहब ने व्यवस्था यहाँ पे करवा के रखी है। आज यहाँ हमारे रोहतक के इंडस पब्लिक स्कूल में अपने यूथ मैन एंड वुमेन बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारे प्रधान मेजर सत्यपाल सिंधु जी की दिशा निर्देश में हो रहा है और इसको ऑर्गेनाइज हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन रोहतक को ऑर्गेनाइज करी है। लगभग 500-550 के आसपास यहाँ बच्चे आए हुए हैं। इनके रहने खाने का सभी काम ने स्कूल में अरेंजमेंट किया है, बच्चों की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है, बच्चों को एक प्रॉपर माहौल दिया है जिसमें कि वो अपना बेस्ट दे पाए। जी, क्या फ़ायदा होगा सर? कंपटीशन करवाने का फायदा यही है कि जैसे कि बच्चे हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल के काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, वो जो नए बच्चों के साथ मिक्सअप होंगे उनको अपने सीखने का मौका मिलेगा और उनको हर फैसिलिटी के साथ सीख रहे हैं। तो ये नहीं है कि बच्चा आया गेम किया चला गया, उनको हम प्रॉपर हर चीज़ लेवल पर सिखा रहे हैं कि प्रॉपर टाइमिंग के साथ 3 राउंड हो रहे हैं, प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, प्रॉपर हमारे आरजेज हैं जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रॉपर उनको रिजल्ट दे रहे हैं, ताकि बच्चों को ये ना हो कि उनने क्या पाया क्या खोया। फर्दर प्रोग्राम ये है कि जो बच्चे यहाँ से विनर होके जाएंगे वो हमारी नेशनल में जो चेन्नई में हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका फाइनल इसका 25 तारीख को हमारा। यूथ चैंपियनशिप में भाग लेने आए गुरुग्राम से प्रीति डांडा और फरीदाबाद से तुषार मंगला ने बताया कि वो चैंपियनशिप में भाग लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। इस चैंपियनशिप का उन्हें काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने पर खिलाड़ियों को उसकी कमियों का पता चलता है, दूसरे खिलाड़ियों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि वो जीतेंगे, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो चेन्नई में होने जा रही है उसमें ज़रूर खेलेंगे। फ़ायदा ये है कि और बच्चे जो खेलने आते हैं अपना कंपटीशन का पता लगता है, जो जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें काफ़ी फ़ायदा होता है कि अपनी कमियों का पता लगता है, काफ़ी बच्चों से मिलना हो जाता है, फ्रेंडशिप भी होती है, एक्साइटेड तो बहुत है, नए नए दोस्त मिलते हैं, अपना टाइम स्पेंड हो जाता है, दिमाग टेंशन में होता है, जो रेगुलर प्रैक्टिस करके वो टेंशन फ्री हो जाता है एक तरीके से। सीखने के लिए नए नए कोचेस हैं, कोचेस का आशीर्वाद बहुत है अपने लिए। तो मैं गुड़गांव टीम से खेल रही हूँ यहाँ पे 52 kg में। यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से जीत के ही जाऊँगी। पहले डेट स्पेसिफाई कर दी थी कि 22 से 25 को रोहतक में हरियाणा स्टेट होगी, उसमें हर एक जिले से टीम आई है उसमें यहाँ पे बॉक्सिंग के लिए।